गाइज, इस वीडियो में मैं तुम लोग को ये बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग को वर्ल्ड माइनक्राफ्ट वर्जन 1.18 में इंस्टॉल करके चलाना है तो कैसे चलाना है, क्योंकि आप लोग को पता होगा 1.17 का तो मैक्सिमम लोगों को पता था कि कैसे करना है, पर लेकिन 18 का नहीं पता, तो वो इसी वीडियो में मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आप लोग को समझ में आ जाएगा कि 18 में वर्ल्ड इंस्टॉल करके कैसे चलाना है और वो गाइज चलेगा। और अगर इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज अभी मैं तुम लोग को वीडियो में लेकर चलता हूँ और बताता हूँ। तो गाइज सबसे पहले तो आप लोग को करना है कि माइनक्राफ्ट वर्जन 1.18 चाहिए होगा, और अगर वो आप लोग को डाउनलोड करना है तो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर आ जाओ, वहाँ पर आप लोग को लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उसको डाउनलोड करके गाइस ओपन कर लेना। उसके बाद गाइस जैसे ही आप ओपन करोगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा स्टार्ट मूविंग फाइल, ठीक है प्ले। तो गाइस आपने करना क्या है, इसको स्टार्ट मूविंग फाइल कर देना। उससे पहले मैं तुम लोगों की कुछ कंफ्यूजन जो है वो क्लियर कर दूं। बहुत से लोगों का लगता है कि इसके अंदर इंटरनेट वगैरह लगेगा, तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। बस गाइस जो गेम्स का फोल्डर था ना, इससे गाइस एंड्रॉइड के फोल्डर में जा रहे हैं। और गाइस इतना करने के बाद आप लोग देख सकते हैं जितने भी वर्ल्ड्स थे वो आपके आ जाएंगे। पर लेकिन गाइस अभी बात आती है कि अगर आपके वर्ल्ड नहीं आ रहे, तो गाइस बहुत से लोगों के साथ ये चीज़ हुई होगी कि अगर उन्होंने माइनक्राफ्ट इंस्टॉल किया, साइन इन किया, उसके बाद प्ले के बटन पे दबाया, उसके बाद गाइस एक्सटर्नल पे कर दिया, पर फिर भी उन लोगों के वर्ल्ड्स नहीं आए, ठीक है। तो उसके लिए गाइस आप लोग को करना क्या है, ये उन लोगों के लिए यहाँ से वीडियो स्टार्ट होती है, तो आप लोग को मैं बताता हूँ। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, जेड अचीवर को ओपन कर लेना। उसके बाद गाइस आपने एंड्रॉइड के फोल्डर के अंदर चले जाना है, फिर डेटा, उसके बाद गाइस आपको वहाँ पर दिख जाएगा माइनक्राफ्ट फोल्डर जो कि है com.mojang.minecraft.pe के नेम से, ठीक है। आपने गाइस करना क्या है, इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद गाइस आपने फाइल्स पे जाना है, फिर उसके बाद गेम्स, फिर com.mojang, ठीक है। यहाँ पर गाइस आप लोग को दिख जाएगा वर्ल्ड टेम्पलेट का फोल्डर, तो आप लोगों ने गाइस करना क्या है, इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। याद रखना गाइस ये एंड्रॉइड के फोल्डर में करना है, आप लोगों ने गेम्स के फोल्डर में मत कर लेना, नहीं तो गाइस आपको कुछ और ही सीन हो जाएगा, ठीक है। एंड्रॉइड के फोल्डर में करना इसको। गाइस आपने डिलीट करने के बाद करना है दोबारा से अपनी माइनक्राफ्ट ओपन कर लेनी है। गाइस माइनक्राफ्ट ओपन करने के बाद आपको गाइस दिख जाएगा स्टार्ट मूविंग फाइल, ठीक है। तो गाइस आप लोगों ने कर देना है। उसके बाद गाइस जब देखो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपके गाइस जो वर्ल्ड्स हैं वो वहां पर आ जाएंगे। बात आती है कि अगर आप लोग को जीप आर्चीव को 1.18 में इंस्टॉल करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो गाइस उसके लिए आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, जेड अचीवर फिर से ओपन कर लेना। आप लोगों ने चले जाना है डाउनलोड्स में, या फिर वहाँ पे चले जाना जहाँ पे आपने मेरा वर्ल्ड इंस्टॉल करके रखा हुआ है। मैं तो डाउनलोड में करता हूँ एज अ एग्जाम्पल। तो गाइस आपको करना है कि यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा टीजे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड जू अपडेट, ठीक है। तो गाइस आप मान के चलो यही वाला जो वर्ल्ड है इसको आपने डालना है, या फिर गाइस आप लोग यही सेम चीज़ जो है किसी भी वर्ल्ड के साथ कर सकते हो, ठीक है। अभी डिपेंड करता है आपका कौन सा वर्ल्ड है। मेरे को गाइस ये वाला जो वर्ल्ड है 1.18 में इंस्टॉल करना है, ठीक है। आप लोगों ने इस पर एक क्लिक करके एक्सट्रैक्ट वाले बटन पर दबाना है, उसके बाद डिवाइस मेमोरी के अंदर जाना है, उसके बाद एंड्रॉइड के फोल्डर, उसके बाद डेटा, उसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ पर ढूंढना होगा com.mojang.minecraft.pe का फोल्डर, ठीक है। तो गाइस अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मेरे को तो गाइस यहाँ पर ये देखो मिल गया। इस पर गाइस आप लोगों ने क्लिक करना है, उसके बाद गाइस फाइल्स में जाना है, उसके बाद गेम्स, फिर com.mojang, उसके बाद गाइस आपने अब इसके अंदर माइनक्राफ्ट वर्ल्ड्स के अंदर पेस्ट कर देना है, ठीक है। याद रखना गाइस आपको गेम्स के फोल्डर में अब पेस्ट नहीं करना, अब आपको एंड्रॉइड के फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देना है। और अगर आप लोग को समझ नहीं आया तो गाइस वीडियो दोबारा से एक बार देख लेना, नहीं तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद गाइस माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर ले जाकर इसको पेस्ट कर देना है। तुम लोग देख सकते हो मेरे पास तो फाइल वैसे पहले से ही है, तो मेरे को एक करने जरूरत नहीं, मैं इसको कैंसिल कर देता हूं। पर लेकिन गाइस अगर आप लोगों को वर्ल्ड इंस्टॉल करना है, आप लोग को यही सेम चीज करनी पड़ेगी। बाकी तो गाइस अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट करके जरूर बताना, मैं तुम लोग की हेल्प जरूर करूंगा। कोई और हेल्प चाहिए हो तो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना। बाकी गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग को इससे हेल्प मिली या नहीं। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।